इंदौर के बेटमा के धार रोड स्थित धरावरा धाम में एक बार फिर मानस सम्मेलन का बड़ा आयोजन होने वाला है। साकेत वासी श्री श्री 1008 अनश्री विभूषित महंत घनश्याम दास जी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भक्ति की धारा बहेगी और भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बेटमा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामचरित मानस सम्मेलन, श्री राम कथा एवं मानस यात्रा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर धरावरा धाम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर बेटमा माचल धरावरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। धरावरा धाम मंदिर पर मानस सम्मेलन का जो आयोजन है, ये विगत कई वर्षों से होता रहा और एक बड़ा अद्भुत आयोजन है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक इस तरह का पहला ही आयोजन है और 17 तारीख फरवरी से 22 तारीख तक यह कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। पूरे देश के मानस के ऊपर प्रवचन देने के लिए बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पधारेंगे और जो धरावरा धाम है गाँव, इसके आसपास के करीब 50 गाँव से काफ़ी भक्तजन इस मानस सम्मेलन में आएंगे और यहाँ पर जो प्रवचन है मानस के ऊपर वो होगा। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि मानस मतलब रामचरित मानस पर है। वर्तमान समय में देश में जो रामचरित मानस के ऊपर जो चर्चाएं चल रही है और जो विधर्मी लोग हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर जो लोग आएंगे वो पूरे देश में फैलाएंगे कि वास्तव में रामचरित मानस क्या है। यही भाव इस आयोजन का है और यह आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ में, सवेरे यहाँ पर योग का कार्यक्रम भी होगा और शाम को जैसे कि भजनों के, सुंदरकांड के और तरह तरह के यहाँ पर आयोजन रखे गए हैं। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ लें। यह पूरा कार्यक्रम यहाँ जो पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री सुखदेव जी महाराज के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति के दिनेश गर्ग और सुधीर अग्रवाल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए मानस सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 500 परिवार में मानस का वितरण किया जाएगा। ये धरावरा धाम में पूर्व में भी यहाँ पर यात्रा निकाली जाती थी, मानस सम्मेलन होता था। अभी कुछ वर्षों से कोरोना काल के समय से यहाँ पर यात्रा नहीं निकल पाई, मानस सम्मेलन नहीं हुआ। आज इस संबंध में यहाँ पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, सभी यहाँ के जो भक्त हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। मानस यात्रा लगभग 1000 महिलाओं के साथ रामचरित्र मानस उन्हें दी जाएगी और 1000 के लगभग महिलाएं मानस यात्रा में शामिल रहेगी। मानस यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान जो राम कथा के जानकार हैं, इसे 5 विद्वान इस यात्रा में शामिल रहेंगे और 5 दिन तक वो राम कथा का एक रसपान भक्तों को कराएंगे। सभी आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण बंधुओं से, धरावरा धाम की भक्त मंडलियों से, सभी से निवेदन है कि इस मानस यात्रा में शामिल हों। साथ ही 5 दिन तक चलने वाले इस मानस सम्मेलन में अपने समय के साथ साथ अपना योगदान दें। बैठक में समाज सेवी दिनेश गर्ग, मुकेश ब्रजवासी, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश चौपड़ा, नानूराम चौधरी, मनोहर चौधरी, मूलचंद शर्मा, मोहन सिंह कछावा, प्रकाश खंडेलवाल, ताराचंद खंडेलवाल, सुरेश जत्थाप आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बेटमा।